जब से भारत देश बना है, तब से ही महिलाओं को बराबर अधिकार अवसर मिलते रहे। वैदिक संस्कृति सभ्यता को बदनाम किया जाता रहा, क्या महिलाओं के अधिकार नहीं थे? यूरोप ने सिखाए, कोई यूरोप से पूछे कि यूरोप ने कब से सीखा है? जब विश्व की अनेक सभ्यताएं संप्रदाय महिला को कोई कोई बेजान माना करते थे, कोई उनको बहुत तिरस्कार करते थे, उनको किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे, उस समय भारत में अनेक ऋषिकाएं ऋषियों के साथ अपने पतियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य किया करती थी, अनुसंधान किया करती थी, योग साधना किया करती थी, वैज्ञानिक हुआ करती थी। कुछ नाम मैं लेता हूँ। महर्षि अगस्त, उनकी धर्मपत्नी ऋषिका लोपामुद्रा थी। महर्षि याज्ञवल्क्य जी, उनसे शास्त्रार्थ करने वाली एक ब्रह्मचारिणी गार्गी हुआ करती थी। घोषा अपाला, भगवती सीता महाभारत में पढ़े तो भगवान शिव और उनके अर्धांगिनी देवी उमा, जिनको पार्वती भी कहते हैं, उस देश को कोई शिक्षा देता है महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के अधिकार ये चौवन ही नहीं है किसी भी देश के लिए।